बोल बोल अरे कितनी बार मना किया गली में क्रिकेट मत खेला करो पैदा करके हम पे छोड़ देते हैं अपनी गली में ना खेलें अपनी बिल्ली की छत पे ना खेलें तो कहाँ खेलें ग्राउंड में जाके खेलो ना पैदा करके हम पे छोड़ देते हैं मोहल्ले में तो ग्राउंड है ही नहीं तो दूसरी गली में जाके खेलो ना पैदा करके हम पे छोड़ देते हैं अंकल मेरी बॉल दे दो चल निकल पैदा करके हम पे छोड़ देते हैं क्या कहा पैदा करके हम पे छोड़ देते हैं गुड्डू गुड्डू क्या है आजा क्रिकेट खेलें अबे अंकल हिटर आ जाएगा अबे चल छत पे खेलते छत पे छत पे चल ठीक है गुड्डू जी क्यों उदास हो कल ईद है आपको कैसे पता कल ईद है आज ईद का चांद दिखेगा ना आज ईद का चांद दिखेगा मम्मी नहीं दिख रहा चांद बेटा यहाँ से थोड़ी ना दिखेगा छत से दिखेगा ना उतनी मुझे चांद देखना है भाई टीवी पे देख ले असल में देखना है लेकिन मम्मी ने कहा छत से दिखेगा भाई मेरे घर में कोई छत वत नहीं है अंकल हिटलर का क्या करें अबे बात करना उनसे वो मुझे मार डालेगा ईद का चांद कैसा होता है आइडिया क्या भाई देख अगर कोई काम निकलवाना हो या तो उससे प्यार से बात कर या गुस्से से बात कर या फिर उठा के समझ रहे ना आखिरी बार बोलो छत का दरवाजा खोल दो पहली बार कब बोला था पहली और आखिरी बार बोलो छत का दरवाजा खोल दो गुस्से से भी बात कर ली उठा के भी बात कर ली अब क्या करूं अंकल ये क्या है इनविटेशन कार्ड मतलब ईद के दिन आप हमारे घर सेवैया खाने आएंगे ना पूरा ईद का चांद बेटा मोबाइल टावर की बत्ती जल रही है फिर ईद का चांद कैसा होता है सी की तरह चांद तो गोल होता है अमावस की रात थोड़ी ना है वो रहा ईद का चांद ईद मुबारक अंकल एक बात पूछूं हाँ पूछो आपको सब अंकल हिटलर क्यों कहते हैं बेटा मैं भी तुम्हारी तरह क्रिकेट खेलता था अंडर 19 में सिलेक्ट हुआ था मैं पूरा कराची मुझे सपोर्ट कर रहा था फिर क्या हुआ फिर इंजमाम का भतीजा सिलेक्ट हो गया अंकल हिटर फेंक रहा है क्या कुछ नहीं पैदा करके हम पे छोड़ देते हैं अपनी नजरों को झुकाओ तो मजा आ जाए ईद का चांद दिखाओ तो मजा आ जाए ओ मजा आ जाए मजा आ जाए ईद का चांद